कान काटने वाली चुड़ैल। माया एक डॉक्टर है। माया का ट्रांसफर किशनपुर के सरकारी अस्पताल में हो जाता है। शाम के वक्त जब माया गांव में आती है तो देखती है कि गांव के लोग अपने कानों को ढके हुए हैं। कुछ लोग कपड़े से अपने कान को ढके हुए हैं और कुछ लोग हाथों से। बहन, ये सभी लोगों ने अपने कान क्यों ढके हुए हैं? डॉक्टरनी जी, जब आप भी शाम को बाहर निकलें तो अपने कान को ढक लिया करें, नहीं तो कामिनी आपके कान काट ले जाएगी। माया सोच में पड़ जाती है, फिर पूछती है, बहन कौन है ये कामिनी? ये लोगों के कान क्यों काटती है? क्या पुलिस कुछ नहीं करती? इस औरत के खिलाफ आपको रिपोर्ट करानी चाहिए। आप लोग अब तक चुप क्यों हैं? बताइए। डॉक्टर माया कामिनी के साथ साथ गांव के लोगों को भी भला बुरा कहती है कि वो इस औरत की हरकतों के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाते। लेकिन माया को क्या पता कि कामिनी की सच्चाई तो कुछ और ही है। डॉक्टरनी जी, कामिनी कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल है, और चुड़ैल पर हमारा कोई बस नहीं चलता। इसलिए कहती हूं कि आप भी अपने कान को ढक लिया कीजिए। क्या बकवास है ये, गांव वाले आज भी भूत प्रेत और चुड़ैल को मानते? भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सब बहम है। आप भी इस बहम से बाहर निकलिए। डॉक्टरनी जी, बस इतना कहूंगी कि बच के रहिएगा और शाम को अपने कान ढक के निकलिएगा, कहीं चुड़ैल आपके कान न काट ले। औरत के चले जाने के बाद माया उस पर खूब हंसती है। कैसे कैसे लोग हैं, चुड़ैल वो भी शाम के वक्त कान काटने वाली। आज शाम को मैं गांव में निकलती हूँ और देखती हूँ कौन सी चुड़ैल है जो कान काटती है। डॉक्टर माया शाम होने के बाद गांव में निकलती है। सड़क पर कोई भी उसे नजर नहीं आता। इस गांव में शाम के वक्त बहुत कम ही लोग बाहर निकलते हैं, जब बहुत जरूरी हो तभी, नहीं तो घर में रहते हैं। माया आगे बढ़ती जाती है लेकिन कोई भी चुड़ैल उसे नजर नहीं आती। यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं, गांव वालों के दिमाग में किसी ने झूठ मूठ में भ्रम फैला दिया। माया इतना सोच रही होती है कि तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो एक झटके में पीछे मुड़ जाती है और पीछे मुड़ते ही माया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके सामने वही कान काटने वाली भयानक चुड़ैल खड़ी रहती है। चुड़ैल के गले में कटे हुए कान लटके रहते हैं। चुड़ैल गुस्से में माया से बोलती है, तू तो बहुत बोल रही थी, मुझे पुलिस से पकड़वाने की बात कर रही थी। लेकिन तुझे नहीं पता कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने अपने कान नहीं ढके, अब मैं तेरे कान काटूंगी। इतना कहकर चुड़ैल डॉक्टर माया के दोनों कान काट लेती है और गायब हो जाती है। डॉक्टर माया रोती हुई अस्पताल में जाती है, जहां नर्स उसकी मरहम पट्टी करती है। थोड़ी देर के बाद वही औरत अस्पताल में आती है जिसने डॉक्टर माया को गांव में कान ढकने के लिए बोला था। क्यों डॉक्टर ने जी, मैंने आपको मना किया था ना, आपने मेरी बात नहीं मानी। मेरे साथ भी ये घटना हो चुकी है। उसके बाद वो औरत अपने सिर से साड़ी हटाकर कटे हुए कान दिखाती है। बहन, हमें जरूर कुछ करना होगा, हमें पुलिस में खबर करनी होगी। माया थाने में फोन करके सारी घटना को बताती है। उसके बाद थाने के इंस्पेक्टर आती है, लेकिन इंस्पेक्टर माया की बात पर विश्वास नहीं करती। देखिए माया, आप डॉक्टर भी हैं और समझदार भी हैं, आप भी इन गांव वालों के चक्कर में पड़ गई। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, आपके कान किसी नकाब वाली औरत ने काटे हैं, पुलिस उसे जल्द से जल्द पकड़ लेगी। ऐसा करिए, आप अपने कान की कहीं प्लास्टिक सर्जरी करवा लीजिए। मैडम, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप खुद शाम को बिना कान ढके गांव में घूम कर देखिए। इंस्पेक्टर माया की बात मान लेती है और शाम को अकेले बिना कान बांधे निकल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद इंस्पेक्टर जब सुनसान सड़क पे पहुंचती है तो पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। इंस्पेक्टर अचानक से
पीछे मुड़ती है और चुड़ैल के ऊपर बंदूक तान देती है। कौन हो तुम और चुड़ैल बनकर लोगों के कान क्यों काट रही हो? चुड़ैल हंसने लगती है। चुड़ैल को हंसता देख इंस्पेक्टर बोलती है, मैंने क्या बोला सुना नहीं? कौन हो तुम बताओ? अपने चेहरे से नकाब हटाओ नहीं तो गोली मार दूंगी। तूने अपने कान नहीं ढके हैं, तेरे कान काटूंगी। चुड़ैल को आगे बढ़ता देख इंस्पेक्टर गोली चला देती है, लेकिन गोली चुड़ैल के आर पार हो जाती है और चुड़ैल और तेज हंसने लगती है। अब तू नहीं बच सकती है। इतना कहकर चुड़ैल इंस्पेक्टर के दोनों कान काट कर उड़ जाती है। कान कटने के बाद इंस्पेक्टर हॉस्पिटल की तरफ कराहते हुए भागती है और हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर माया उसका इलाज करती है। मैडम मैंने आपको मना किया था लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, आखिर आपका भी कान कट ही गया। अब इस चुड़ैल को कोई पहुंचा हुआ इंसान ही मार सकता है, इसे रोकना होगा नहीं तो एक दिन सबके कान काट देगी। मैडम मेरी जानकारी में एक बहुत पहुंचे हुए बाबा है, मैं उनको बुला लेती हूँ। अगले दिन बाबा किशनपुर गांव में आते हैं और शाम होने के बाद गांव में निकल पड़ते हैं। साथ में डॉक्टर माया और इंस्पेक्टर भी रहती है। कुछ दूर चलने के बाद बाबा को एक पेड़ के पास चबूतरा दिखाई देता है। बाबा दोनों को वहीं पर रुकने के लिए बोलते हैं और खुद आगे बढ़ जाते हैं। बाबा कुछ दूर चले ही होते हैं कि तभी उनके पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। बाबा एकदम से पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं, अरे कौन है तू और लोगों के कान क्यों काटती है? बता नहीं तो तुझे अभी भस्म कर दूंगा। तू मुझसे पूछता है मैं कौन हूँ? अब मैं तेरे कान भी काटूंगी बाबा। इतना कहकर कामिनी चुड़ैल बाबा के कान काटने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बाबा कमंडल का जल फेंक कर उसे बांध देते हैं। बाबा छोड़ दे मुझे, जाने दे, आजाद कर दे मुझे। अरे छोड़ दूंगा तुझे, तुझे जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले जिसके जिसके कान तूने काटे हैं वो कान लौटा दे। ठीक है, मैं सबके कान वापस लगा देती हूँ। और गांव में जिन जिन लोगों के कान कट चुके थे उन सबके कान वापस आ जाते हैं। उसके बाद बाबा कामिनी चुड़ैल को आजाद कर देते हैं। चुड़ैल किशनपुर गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।